हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड और फ्रेंड, मैं ठीक हूँ। और कल से ही हमारे यहाँ शाम दोपहर से ही हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सड़क पूरा गीला हो चुका है, उतनी अभी गीली नहीं लग रही, बट सुबह में हो रही थी बारिश। ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी जैसे कि भींग जाए हम, वैसे नहीं, हल्की हल्की हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और अभी भी एक दो बूंदाबांदी हो रही है। आप लोग इधर बारिश हो रही है कि नहीं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ठंडी जिसकी वजह से बढ़ गई है, क्योंकि धूप आज नहीं निकला है ना। दिन तो पूरा एकदम फ्रेश है, बट बादल लगा हुआ है जिसकी वजह से धूप नहीं निकली है और ठंडी ज़्यादा लग रही है। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ स्वेटर में बनाने के लिए। मुझे लगा था क्या, इधर दो तीन दिनों से धूप निकल रही थी ना, तो अब स्वेटर पहन के वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बारिश होकर के सारा ख़राब कर दिया। कोई बात नहीं, ठंडी तो एक डेढ़ महीना ही रहती है, तो इतना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, थोड़ा बहुत रील्स बना करके फिर मिलती हूँ। और फ़ोटो तो आज क्लिक नहीं कराऊँगी, क्योंकि आज मैं रेडी नहीं हुई। वैसे भी ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, इसलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड, मेरा टोटल वीडियो बन चुका है। बाकी बात धनिया का पेड़ के पास मैं सारा वीडियो बनाई हूँ। और फ्रेंड, बारिश तो पड़ रही है, भींग रही हूँ, हल्की 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 बूंदा बूंदी हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ घर। बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में, अभी कोई नहीं दिखने को मिलेंगे, मैं यहीं पे तो घर ही है, जस्ट मैं यहीं पे आती हूँ वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे मेरा धनिया का खेत है ना, इसलिए। और बाकी बात अब मैं जा रही हूँ घर, थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी और वीडियो जो पोस्ट करनी है वो कर दूँगी। बाकी बात फिर मैं आप सभी लोग से बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पापा दूरा पर कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? आप लोग ऐसे ही बने रहिए। हो गया तो फाइनली फ्रेंड, हमारे यहाँ आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही है और बारिश भी हुई है। और कपड़े भी सूखने के लिए डाली हूँ, बस ये गीला कर दी थी वो, तो सूख ही नहीं रहा। थोड़ा सा आज धूप निकला है, बट थोड़े देर के लिए निकला, मुश्किल से 15 मिनट के लिए, फिर ख़त्म। मम्मी गई घास लाने के लिए, पीछे से जा रहा है मेरा भाई उठाने के लिए, और मैं अपनी बेटी को संभाली हूँ, जो कि घर में इधर से उधर करती रहती है। देखिए इधर आई है तोता से मिलने के लिए। तोता अभी के टाइम में ना ठंडा लगता है ना, इसलिए तोता को इसके नीचे ढका रहता है, देखिए, है ना। तो बस आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, बाकी मैं इसको देख रही हूँ और आप लोग हमें देख रहे हैं। और अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, और रिप्लाई वाली वीडियो मैं बनाती ही रहूँगी हमेशा। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है? और हाँ, एक बात बतानी है कि कोई लोग का ना, मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन फ़िलहाल भी एक दो अनजान कमेंट आता है, वो उसमें कमेंट रहता है कि आप हमारी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो, कभी हमारा भी नाम लीजिए, हमारी कमेंट देखती नहीं हो क्या? अब बताइए कैसे कैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़बरदस्ती। कोई बात नहीं, मैं खुद देखती रहती हूँ कमेंट। जिन लोगों का ज़्यादा कमेंट आता है, उन्हीं लोगों को मैं रिप्लाई करती हूँ। जो पहली बार कमेंट करके ऐसे छोड़ देते हैं ना, मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं करती, ठीक है? बस ऐसे ही कमेंट करते हैं जानबूझ के बदनाम करने के लिए, कि ताकि सब देखे। तो सिर्फ मतलब इसको रिप्लाई करती है, उसको रिप्लाई करती हूँ, हमें नहीं करती, ऐसे कमेंट आता है। कोई बात नहीं, मैं कमेंट हमेशा देखती हूँ, तो जो लोग का ज़्यादा आता है उन्हीं लोग को रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो आप लोग का भी रिप्लाई करूँगी। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड, ये देखिए मेरी बेटी मूली खा रही है। क्या खा रही है बेटू, दिखा दो मूली, दिखा दो पतिल। ए तो क्या ले जा, ये देखिए तोरा हम दिखा रही हूँ, हमें दिखाई छी चौना करी छी, ये देखिए अपने नाना के बगल में खड़ी होकर मूली खा रही है। ये रहे इसके पर नाना। कितने चिक्कन लगे है, जे नुच नुच के खाए, मट्टी आर लागल है तभी खाए। सुसुआ सुसुआ पहली फ्रेंड, अभी मैं धूप में बैठी हूँ और मेरी बेटी मेरे पीछे खेल रही है। इधर खेतों की तरफ आई थी, क्योंकि अभी 3:30 हो रहे हैं और अब जाके धूप अच्छी खासी निकली है, तो ऐसे धूप सेकने के लिए आए हैं। और मेरी बेटी ये रही, ये खेल रही है यहाँ पे घूम घूम करके, मिट्टी मिट्टी। वैसे आज बारिश हुई थी, हल्की सी पानी थी, फिसल करके गिर गई थी, थोड़ा चोट लग गया था, रोने लगी थी, इसलिए इसको घुमाने के लिए इधर आई हूँ। और फिर भाग रही है घर की तरफ। फ्रेंड, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड, यहाँ के खेतों में से आलू निकाल करके ये कह रही है गोली है, देखिए दिखाओ तो, जा गिर गया ना, छोटा सा आलू निकाल करके कह रही है गोली है गोली। इसको तो बुझने भी नहीं आता, क्या है बेटू? आलू है, अब पहचान गई आलू है। तो फ्रेंड, बहुत लोग का कमेंट आता था कि इतनी साड़ी में तो आप वीडियो बनाई हूँ, बस
ब्लैक साड़ी में मैं कभी नहीं, ब्लैक साड़ी तो मैं कभी पहनी नहीं हूँ, बट अरे बिंदी उखड़ गई मेरी। तो मतलब कमेंट आ रहा था कि आप ब्लैक साड़ी में भी वीडियो बनाइए, ब्लैक साड़ी में बहुत दिनों से ये हमारे वीडियोज़ पे कमेंट पता है कब से आ रहा है, 1.5 सालों से 2 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ ना। पहला नंबर तो मेरे यहाँ का आसमान देखिए कितना आज अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ हो गया है और अच्छा लग रहा है ऐसे करके वीडियो बनाने में। अगर मन कर रहा है कि सिर्फ आसमान को दिखाऊँ, कोई बात नहीं ऐसे कर लेती हूँ। हाँ तो मैंने ऑनलाइन करके एक साड़ी मंगाई हूँ, ब्लैक कलर की है, हल्का से उसका बॉर्डर रेड कलर की है। ब्लाउज़ तो उसके सेट का नहीं हो पाएगा, एक अलग से मेरे पास ब्लाउज़ है तो मैं वो पहन करके कल वीडियो बनाऊँगी। और शायद आप लोग पहले वीडियो में देख ही चुके होंगे कैसी लग रही थी, कमेंट में बताइएगा, है ना। बाकी बात ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो बहुत परेशान कर रही है, यहाँ पे आलू का खेत है तो आलू की क्यारी पे बैठ करके आलू निकालने लगती है। तो बाय बाय सभी लोग को, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड बाय बाय।